यूपी पंचायती चुनाव में बीएसपी मारेगी बाजी। मायावती के मिशन पंचायत से बदल जाएगी सियासत। पंचायत पर कब्जे का क्या है मायावती प्लान? ये वो सवाल हैं जो यूपी पंचायती चुनाव की सरगर्मियों के बीच यूपी की सियासी फिजाओं में बार बार उठ रहे हैं। यूपी में जल्द ही पंचायती चुनाव होने वाले हैं। पंचायती चुनाव को अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। 2022 में यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका पता काफी हद तक पंचायती चुनाव के बाद चल जाएगा। बीएसपी के लिए यूपी का पंचायती चुनाव करो या मरो की तरह है, क्योंकि इसी से बीएसपी का भविष्य भी तय होगा। इसीलिए पंचायती चुनाव को लेकर बीएसपी ने कमर कस ली है। खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती मिशन पंचायत को मॉनिटर कर रही हैं। खबर है कि मायावती सेक्टर प्रभारी से लेकर बूथ लेवल पदाधिकारियों तक को पंचायती चुनाव में जीतने के गुर सिखा रही हैं। बीएसपी यूपी पंचायती चुनाव में लगभग सभी जगहों से अपना प्रत्याशी उतारेगी। मायावती खासकर उन लोगों को प्रत्याशी बनाने पर जोर दे रही हैं जिनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। मायावती ने बीएसपी के सभी पदाधिकारियों से पूरी ताकत के साथ यूपी पंचायती चुनाव में उतरने को कहा है। मायावती जल्द ही पंचायती चुनाव में पूरे जोरों शोर से लड़ने के लिए बैठक भी करेंगी। ये बैठक सभी 18 मंडलों के पदाधिकारियों के साथ होगी। कहा जा रहा है कि मायावती की पहली बैठक कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के पदाधिकारियों के साथ होगी। इसके बाद मुख्य सेक्टर प्रभारी अपने अपने इलाके में भी बैठक करेंगे। बीएसपी के कोर वोट बैंक में जान फूंकने के लिए मायावती ने कैसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे मायावती का वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आने वाली 15 मार्च को बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। खबरों के मुताबिक मायावती ने कांशीराम जयंती को मंडलीय स्तर पर धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने सभी पदाधिकारियों से अपने अपने एरिया में मान्यवर की जयंती पर सभाएं करने और लोगों को बीएसपी से जोड़ने का निर्देश दिया है। मान्यवर कांशीराम को बहुजन समाज महानायक की तरह सम्मान देता है। ऐसे में उनकी जयंती से बीएसपी समर्थकों का जोश भी जरूर हाई होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में पंचायती चुनाव के लिए 25 या 26 मार्च को अधिसूचना जारी हो सकती है। खबर है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन 14 चरणों में मतदान कराने की तैयारी में है। मुमकिन है कि पंचायती चुनाव को 10 से 18 अप्रैल के बीच संपन्न कराया जाए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, इसीलिए बीएसपी मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आखिरी फैसला तो यूपी की जनता को ही करना है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।